हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में परफेक्ट स्लीव्स आपको कैसे कट करनी है, अब आप हर साइज के लिए इसको कट कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम होने वाला है। तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक, दोनों भी फैब्रिक यहाँ पर लिए हैं। तो चलो, ये बचा हुआ ब्लाउज का मेरा फैब्रिक है जिसमें मुझको अभी स्लीव्स कट करनी है। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक जो है, इस तरह से ये बचा हुआ है, तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसमें आप किसी भी साइज के लिए स्लीव्स कट कर सकते हैं, मेथड बिल्कुल सेम होने वाली है। तो सबसे पहले अस्तर वाला फैब्रिक ले लेते हैं। इसमें कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। इसको भी आपको डबल फोल्ड रखना है। देखो, जैसे अभी मैंने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड रखा है, तो इसी तरह से आपको भी रखना है। ठीक है, वन साइड से आप स्लीव्स की जो लंबाई है आपके, वो नाप सकते हैं। तो आपके स्लीव्स की लंबाई कितनी है आपको वो देखना है। अगर आप 5 इंच की स्लीव्स कट करना चाहते हैं तो नाप जो है आपको 6 इंच का लेना है। अगर आप 7 इंच की करना चाहते हैं तो 8 इंच की करना है। आपको लंबाई स्लीव्स की जितनी चाहिए उतने आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर इसकी कटिंग करनी है। अगर आप बिना अस्तर वाला ब्लाउज कट कर रहे हैं तो आपको 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, सपोज अगर ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक का, जो बिना अस्तर वाले ब्लाउज पीस होते हैं, जो बिल्कुल उसमें अस्तर नहीं लगता है और कपड़ा जो है मोटा होता है, तो ऐसे में अगर आप 5 इंच का स्लीव्स कट करना चाहते हैं तो आपको 7 इंच का नाप लगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको 2 इंच एक्स्ट्रा। लेकिन अस्तर वाले ब्लाउज में ऐसा नहीं होता है। अस्तर वाला जो भी ब्लाउज होता है इसमें हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच की स्लीव्स कट करना चाहूंगी तो मैं यहाँ पर 6 इंच का नाप लगा रही हूँ। ठीक है, यही आप 10 इंच का करना चाहते हैं तो आपको 11 इंच का नाप लगाना है, 7 इंच का करना चाहते हैं तो 8 इंच का नाप लगाना है। इस तरह से आपको नाप लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका जो ब्लाउज है इसका फ्रंट बैक, आपके पास जो भी कटिंग किया हुआ कपड़ा मतलब पेपर होगा या फिर कुछ और, तो जैसे आप देखो, मैं आपको यहाँ पर एक पेपर दिखाती हूँ। तो ये सपोज आपका बैक साइड है, इसको आपको, ये जो आर्मोल है ना, इसको आपको तिरछा नापना है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आपको टेप को नापना है। देखो, ये 6 इंच का आर्मोल है, तब जाके इसका जो है वो 8 इंच का पूरा होता है, इस तरह से तिरछा नापने पर। तो ठीक है, तो ये 8 इंच हमको नीचे लेना है। यहाँ पर ये जो साइड है नीचे वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कम ज्यादा होगी तो आप इसको स्केल से पहले अच्छे से ठीक कर लेंगे और सीधा कर लेंगे। तो यहां पर मैंने, चलो, 8 इंच का नाप लगा दिया। अब इसमें 1/2 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन ऐड हो जाएगा और 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्जिन अंदर कितना रखना है। बहुत ज्यादा मार्जिन रखना भी मतलब बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो नीचे से फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमारे स्लीव्स के नीचे से दिखता है, नीचे से आ जाता है ना। तो ऐसे में आप 1 इंच का मार्जिन रखिएगा, ये बहुत हो जाता है। तो चलो, यहाँ पर 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन को रखते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो ये हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अब देखो, यहां से भी आपको, जैसे आपने यहां पर 6 इंच नापा है, तो यहां से भी हम 6 इंच के लिए मार्क लगा देते हैं। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब ये यहां पर एक स्क्वायर बन गया है, ये इस तरह से स्क्वायर बन गया है। अब आपको यहां पर डाउन देना है। ठीक है, यहां पर नीचे की साइड में डाउन देना है। ये आप 2 से लेके 2.5 से लेके 3 इंच तक रख सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउन दे दोगे तो जो ऊपर वाला स्लीव्स है ऊपर ही रहता है और नीचे का जो है वो बहुत अंदर चला जाता है। तो ऐसे में आपको, देखो, 2 या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। 2 इंच अगर आप रखते हैं तो बहुत हो जाता है 2 इंच। तो 2 इंच पर मैं यहाँ पर एक मार्क लगा देती हूँ। इस मार्क को हमको 1 इंच तक सीधा करना है। इस तरह आप इसको 1 इंच तक बिल्कुल सीधा इस तरह से कर लेंगे। फिर यहां से आपको नाप लगाना है। यहां पर आप 1.5 इंच तक नाप लगा सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर देती हूँ, 1.5 इंच के ऊपर मार्क कर दिया। अब देखो, आपको ये जो ऊपर वाला शेप है इसको इस तरह उठा कर लेना है, नीचे वाला शेप डाउन करके लेना है। ये बहुत मतलब इसमें याद रखने वाली मेथड है आपको कैसे करना है। ऊपर वाला जो शेप है, जो अभी मैं दे रही हूँ, इसको आपको उठा कर देना है, ये इस तरह से यहाँ पर जोड़ देना है। इसको फिर सीधा रखना है, इसको गोल नहीं करना, इसको सीधा रखेंगे। अब हम बैक फ्रंट साइड में आर्म होल में 1/2 इंच का डिस्टेंस हमेशा रखते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंच का डिस्टेंस देना है। फिर से यहीं से आपको इसको, मैंने जैसा बताया नीचे का शेप डाउन में जाता है, तो इसको यहां से आपको डाउन देना है इस तरह से। फिर इसको यहां पर मिला देना है। ठीक है, तो ये एक मछली की तरह शेप हो जाता है। यहां पर इसको हम मिला देंगे।
अब आती है बारी नीचे हमारे दंड घेर, जो हमारा हाथों की साइज होती है, आप उसको अच्छे से गिन लीजिए पहले आपका हाथों का घेर कितना है। ठीक है, तो अगर हाथों का घेर आपका 12 इंच का आता है तो आपको 6 इंच लेना है, 14 इंच का आता है तो 7 इंच का लेना है, आपको जो भी हाथों का घेर आता है उसका आपको आधा करना है। ठीक है, तो चलो मेरे हाथों का घेर जो है वो 13 इंच का है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच, आधा कर दिया मैंने इसको। और अब यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आप रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर देखो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखती हूँ और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखती हूँ। ठीक है, नीचे की साइड में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लगता है तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच रखती हूँ, आप चाहे तो 1 इंच का मार्जिन पूरा भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसको इस वाले नोक से इस वाले नोक तक जोड़ना है, जो आपने पूरा मार्जिन लिया ना उतना ही आपको इस तरह तिरछा जोड़ना है, ये देखो इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। आप जब दो साइड जो है ब्लाउज की दोनों भी स्लीव्स को कट करते हैं तो कपड़ा 4 फोल्ड होना चाहिए। अभी मैंने एक स्लीव्स का कट किया है तो कपड़े को 2 फोल्ड रखा है, जब 2 स्लीव्स का कट करेंगे तो इसको 4 फोल्ड रखेंगे, या फिर आप इस तरह से डिजाइन बना, जो ड्राइंग है ये बना लीजिए। कपड़ा अगर आपका इस तरह से ऊपर ज्यादा है तो आप इसको इस तरह से डबल कर सकते हैं, ये यहाँ भी निकलेगा और यहाँ भी निकलेगा। ठीक है, तो आप उतना कर सकते हैं, इस तरह से अगर आप फोल्ड कर देंगे तो ये दोनों साइड से हो जाएगा। मैं अभी एक ही स्लीव्स का आपको करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसकी कटिंग करेंगे, यहां तक आपको इस तरह से ही करना है तिरछा। देन उसके बाद यहां तक जब आपने सीधा रखा है तो इसको सीधा ही कट करेंगे, यहां से शेप जो है वो ऊपर चला जा रहा है तो ऊपर की ओर कट करेंगे। अब देखो इस तरह से हमारा स्लीव्स कट हो गया है। अब आप इसको खोल देंगे, ओपन कर देना है इसको। अब यहां से नीचे वाला शेप आप कट करेंगे, जहां से आपने इसका मार्क लगाया है वही तक कट करना है, बाकी छोड़ देना है, आगे नहीं जाना। ठीक है, देखो इतना कट किया मैंने यहां तक, इसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। देखो ये स्लीव्स कुछ इस तरह से लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट आपके स्लीव्स आने वाली है। अब ये स्लीव्स इसको ही आप इस वाले कपड़े पर ले लेंगे, ये हमारा मेन फैब्रिक है तो इसके ऊपर आपको रखना है इस वाली स्लीव्स को। ये देखो यहां से बन साइड है तो बन साइड से बन साइड ही रखनी है आपको, और आपको इसकी फिर से कटिंग कर देनी है। ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जो है आपको नीचे की साइड में सब तरफ से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि जब हम इसको अस्तर को स्लीव्स के साथ अटैच करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा हिल जाने से कपड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में आप देखो थोड़ा सा कपड़ा, जैसे मैं अभी यहां रख रही हूँ एक्स्ट्रा, ऐसे ही आप एक्स्ट्रा रखना, सब तरफ से आपको एक्स्ट्रा रखना है। ये देखो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा इस कपड़े को रखना है और इसकी कटिंग करनी है। अब मेन फैब्रिक में हमने स्लीव्स की इस तरह से कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी टाइप्स की और भी वीडियोस को हमेशा देखते रहना। सो फ्रेंड्स अगर आपको स्लीव्स के बहुत अच्छे अच्छे से पैटर्न और बहुत ज्यादा इजी पैटर्न भी देखने हैं तो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्लीव्स की एक बहुत प्यारी और बहुत इजी डिजाइन आपके लिए डाल दूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।